अति चीजा ने स्कीम बता दी आप आयड़ा आदित्य को स्वागत हो करा तो सौ प्रकाश जी खड़े हो आपने देश को स्वागत गुरु दे मान अपना करता बानाराम जी खिचड़ जी आओ आप स्वामी साहब को स्वागत करो मुकेश जी स्वामी पूरनमल जी ते आपने बालाराम जी ईश्वर जी खिचड़े आओ आपने सुजाराम जी को स्वागत अब थाने आज किसान है वो मेन मकसद मैं बता दूं कि लगभग अपा सही खेता का मन पड़े देश का 40-50 लाख को काम अपने गाँव में होने से जगह जगह खींचा है ना 30% दिला बाकी को नाम लिखा दिया 30% दिला बाकी का घराओं खर्च करना पड़ता नाम दिखा दे आज अटायड़ा ही इसके अलावा कोई कुंड बनाना चाहो ना 15 रुपये को भी को दी कोई दुकान करे आपने नाई की हो क्या की हो पन 13-14 हज़ार का मिल ही तो जगह जगह स्कीम है उसको फायदा है वो आज ले लियो ए बजाज में मेरी बात ही नहीं कि वो मारना तरीका खर्च करना ही जब मैं कह रहा मारना काम ही खर्च करो ने कह रहा हूँ दिसंबर में लागू हो जाए मैं नाम आरोप ही लिख दियो जना आज पहले तो आप भागवत कथा खत्म होने दूसरे दिन को प्लान होना आज दोनों काम सागा होगा था ना धर्म और धन दोनों मिल रहे हैं देखो इस चीज को फायदा लो अब मैं एक बार जैसी हूँ निवेदन करूंगा था ना हर चीज एक बार खुद बता देंगे मैं तो गांव का इधर को ज्यादा ध्यान रखा अब तो लैंड लेवलिंग की भाई अपने राकेश जी ने बात की तो दिसंबर में हमारा कार्यक्रम आने वाला है टेंटेटिव जो है कि उसका समझ लो कि 30,000 का खर्चा है ना उसमें 30% हम देने वाले हैं कोई भी अपने खेत में करना है किसान करना चाहता है तो जरूर आपको नाम ले देना तो दिसंबर में ऐसे ही एक कार्यक्रम करके हम सबको इकट्ठा करके हम अपने कार्यक्रम में जो भी कोई बदलाव होंगे कि आगे जाकर समझ लो आज 30% की बात है वो कहीं 25% हो जाए या तो 35% भी हो सकता है तो वो कोई भी चेंजेस होंगे तो वो जरूर उसमें हम आपको बता देंगे है ना। अब दूसरी चीज है कि कोई भी किसान यहाँ पर समझ लो कि वाटर रिसर्च हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो अपने गांव में भी बने हैं और भी जगह कहीं पर घूमने जाना है कि समझ लो अच्छी जगह की अपने बीकानेर में है कि बीकानेर में अपने बाजरे के जो बिस्किट आता है ना वो बनाने की महिलाओं ने एक सब महिला समूह ने एक यूनिट शुरू किया है तो वहाँ पर भी कोई देखने जाने के लिए महिला ये अच्छी भी है गाँव की तो जरूर आना करके उनको भी हम घुमाएंगे ताकि क्या है कि हमारा उद्देश्य है कि महिला को ही आत्मनिर्भर हो। अब आत्मनिर्भर किसान कब बन सकता है कि जो अपने घर की जरूरत है वो जरूरत है अपने खेत में से ही पूरी हो जाए तब तो किसान आत्मनिर्भर बने। अब बाहर से ही बाजार से ही लेकर आए वो तो फिर घर के पैसे जो अपन ने कमाई वो बाजार में ही ला रहे हैं। अब समझ लो घर की जरूरत है क्या कि एक तो कपड़े हैं और जूते हैं वो तो हम समझ लो बना नहीं पाएंगे मगर जो दलन है तिलन है ना दाल वगैरह है वो सब हम अपने घर पर कर सकते हैं जो भी मसाले हैं तो ये तो हम कर सकते हैं कि नहीं अपने यहाँ अपने खेत में धनिया हो सकता है कि नहीं ये गांव की जमीन में धनिया हो सकता है कि नहीं
पता कर तो उसका तो कार्यक्रम ला ही गए। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर पहले हमने कंप्लेंट किया था कि यहाँ पे कोई स्कीम आई नहीं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रयास हमारा यही है कि साचीवाद बड़ा में क्योंकि ये बाउंड्री का विलेज लग जाता है मध्यपुर की, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारा प्रयास जारी है ना। तो दिसंबर में और एक ऐसा कार्यक्रम ओपन करेंगे उसमें सबको बाकायदा जो भी चेंजेस आएंगे वो कार्यक्रम के अंदर वो सब किसानों के सामने रखेंगे, उसके बाद जो है अपन काम स्टार्ट करेंगे। तो एक दिसंबर तक आपको वेट करना है क्योंकि कार्यक्रम अभी आया नहीं है, इसकी वजह से हम भी थोड़े से धीमे हो गए कि भाई अभी थोड़ा सा बताना ठीक नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर अपने मुखी जी भी आए हैं एनजीओ के साथ, वो भी जुड़े हुए हैं और वो अपने नशा मुक्ति के लिए कुछ अपने विचार रख रहे हैं और एनजीओ का काम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, फिर हमने उनको कॉल किया कि थोड़ा सा अपने बारे में अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। राम राम। मेरा नाम मुकेश है, फतेहपुर से ही हूँ। मंडावा पंचायत समिति में मेरी जॉब है, एक साथ में मैं एनजीओ भी ज्वाइन कर रखे हूँ कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी हो बिकॉज दस देश में बाल विवाह और रोजगार लेबर चाहिए हो ना, जगह बच्चा होटला पर काम करे या घर में दबा के बुकर भी बच्चा ने काम करेगा तो बच्चा ने एडो सारी व्यवस्था असहस्था कर यह संस्था अभी आपने पांच जिला में भी कार्यरत है, सीकर में, झुंझुनू में, नागौर में, बीकानेर में, चूरू में। अब आज बाजार ट्रस्ट को काम है, हमारी संस्था माने कोई फंड वगैरह तो कुछ देवे को नहीं, सिर्फ अवेयरनेस को कार्यक्रम करे जागरूकता के लिए। और जागरूकता जब आप बारह बारह कर्शियाँ जब जागरूकता को नहीं आवा कोई भी काम हो, चाहे सुबह नशा की बात हो, चाहे सुबह कोई बाल विवाह की बात हो, चाहे सुबह कोई बच्चा ने मारकूट का काम करवाए वह बात हो, या कोई पर्यावरण से संबंधित हो, या जल वाटर हार्वेस्टिंग को जो कार्यक्रम है आज की हो, ये आज वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भाई जी बता रहेगा आज धर्म और दोनों की है जरूरत है, धर्म चाल रहे हैं और धन चाल रहे हैं, जरूरत है आपा ने दोनों की जागरूकता की। आज आपा धर्म को कार्यक्रम चाल रहे हैं, धर्म के प्रति भी आपा जागरूक बनी आडम्बर ज्यादा करे लाला ये के चाल रही है, ये को अर्थ की आपा ने बेरो बनी, ये को अर्थ हो कि स्वाहा करना को मतलब ये बनी हुआ, स्वाहा को मतलब हुआ आपने में जकी कमी है, आपने में जकी वृत्या है, वह वृत्या को स्वाहा करना है। खाली बारह स्थूल रूप से आप कोई भी तो आंगड़ी से या स्वाहा करा तो वो स्वाहा अपन लाभ पहुंचे हुए बारह बारह से कुछ भी कर लो, बारह बारह नेता लोग सोला पजामा पहन गए धोड़ा कपड़ा पहना फिर माई दबा का कुछ हो रहा है, बारह कुछ हो रहा है तो वह कड़ी तो आपने चलेगी। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा अपने जीवन से संबंधित है, आपने बारह और अंदर भीतरी जो प्रकाश है इससे संबंधित है। एक बार क्या हुआ कि एक ढोलकिया रो रहे पुराने टाइम की बात है, वो ढोलकिया रो सुंदरकांड को पाठ कराया करे पंडित जी महाराज रहे सुंदरकांड को पाठ कराया करे, तो वहां एक दिन दो प्रोग्राम आ गए, एक ही दिन का दो प्रोग्राम, एक सुंदरकांड को वहां उस समय हो छह से आठ नौ बजे तक करता, फिर एक रात में जागरण का भी प्रोग्राम हो और पंडित जी महाराज दोनों काम साम लिया, लालच ले लियो आपा तो दोनों काम कर ले सिया, क्यों एक को नौ बजे सेट जैसे नौ बजे दूसरे गांव का मैंने दो एक बस पार वो जागरण वालों प्रोग्राम हो रहे वो भी आपा कर ले सिया, तो एक ही दिन आपा डबल डबल कमाई कर ले सिया। अब देखो इनको लालच देखो तो खतरनाक भी कर पका पड़ जाए, वो ये करेगा सुंदरकांड को कार्यक्रम है आपको छह से नौ बजे को काम करवा जठी ने जागरण को कार्यक्रम रहे बठी ने चाल पड़े। अब बाकी एक एक खेत माई की वो देखे भाई दो एक खेत है वो आप पार कर लिया इनमें की निकल से ये वो खेत माई की जावे था एक सामने से एक लुगाई आती दिखे और वहां कोई गाड़ भेड़ काट दी आवे कोई घर लड़कर आवे कोई कोई आदमी मारी है कोई सास सुसरा है कोई जो भी है क्यों कहती हो लुगाई झाड़ आ गई झाड़ आ गई तो लुगाई ये करे लुगाई कहे तो चिमटा की मारे रखे कुआ में पड़े तो बात देखे वहां तो कुआ में पड़ जाए झाड़ मरती बाकी जा रही है वो पंडित जी देखे घट जाए
रवि ने वो बतला ली क्या भाई घट जावे क्या मैं तो मरने जाऊं तो भी चल रहे वो गए क्यों मरे क्या मन तो मेरा घर का सतावे है टेंशन देवे है तो मन तो टेंशन होगी मैं तो मरसी हूँ अब ठीक है गड़ा का माई ना आ रहे व्यवस्था जना ये सारे से खेत नहीं देखे वो आप ढोलिया में डोरिया बांधी रहती डोरिया वाली ढोल के रहती वो जल्दी जल्दी आपकी डोरिया खोल ले ऊपर गाल दे नीचे लगा दे ढोल की भाया मैंने बेरो को दी कि मैं लटके गए हैं तो मैं तुमने पूरी बात बताशु करके बताशु बात का मायने तू लटक गई रोको ये करेगा आपको गाल ढोल की गाल फांसी को दिए और आप गाल ले ढोल की नीचे सरक जावे आप लट जावे आलन लाग जावे जोर जोर से मालूम भाई कहता तो माला कर गाय मन ने कौन सताए जी तो तू तड़प रे मत कौन मोरू भी को तो बिचारी गई सी लो जावे बा मरने को और बा तो आपके ओट की भाग जावे और आ गया हो गया वो लटकेड़ो ही रह जावे जना के कई बार लालच कर ले मैंने तो एक दिन में तो कार्य करे तो अब एक ही सीख यह है कि वो जो जड़ कोई व्यवस्था है जो भी दे रहे हैं सहयोग दे रहे हैं आप 100 रुपया लगा से 20 रुपया 30 रुपया अपन देसी वो अपना सहयोग है। अब बात है जल की ज्यादा पानी से ज्यादा अपन है सहयोग से ज्यादा अपन जागरूकता की कमी है। मैं फतेहपुर में रहूं मैं देख रहा पानी खूब बोले लो फिर माने कहूँ तो थोड़े बोली आपके घर कहने कोई भी आदमी भी आपकी बात कहे तो बस थोड़ा बोली फिर अपनों को ही लगे पड़ोसी जरूर 2 मिनट सुन ले सी पड़ोसी दूसरे गांव को भी सुन ले सी आपके घर का कहते ही मत करो कहे भाई फलानी जगह फलानो पानी अपन बसाड़ो है क्योंकि मेरी को मेरा आपको ऊपर ही पड़े तो व्यवस्था यह करनी है कि अपन जटे भी पानी हो गए आज मान लो अपन अपना बैठे यार कोई सिगरेट पी हुआ भी सिगरेट के धुआं से तकलीफ से आस पास के भी हो रहे तो वो उठ कर यह चीज कहते या पीनी बंद कर दे अच्छा तकलीफ हो रही तो जी पानी की कोई टूटी चालू रहे साफ जल है स्वच्छ जल है भी पानी की टूटी चालू है तो आपनों दायित्व बढ़े आपने अंदर अगर भीतरी प्रकाश हो पानी के प्रति आपने समाज के प्रति तो आपा भी टूटी ने बंद कर दे या फिर कह दे यार भया तो आप टूटी बंद कर दे पानी व्यर्थ बह रहे क्योंकि वो पानी के ब्याह साधे में खाना को भोजन जो है तो खूब लोग भोजन कर रहे हैं और जितो भोजन कर रहे हैं अभी से ज्यादा उनको छोड़ रहे हैं तो यह चीज आपने में अगर भीतरी प्रकाश नहीं होगा प्रत्येक आदमी का माइंड है तो आज दूर होनी होगी चाहे इसको पानी की बात हो चाहे इसको पर्यावरण की बात हो। आज मैं बताते हूँ मैं एक एक आदमी मतलब आज से 10-15 दिन पहले एक खबर पड़ी आपने जो पर्यावरण है आपको जो धर्म है वो आपको पर्यावरण से भी जुड़ेड़ है आपने शास्त्र में धर्म की खूब सारी बात बताई गई आपने धर्म का मायने पर्यावरण से वर्णित लेकर पेड़ से लेकर जलवायु पक्षी हर आदमी की पक्षियां का ही वो आपने भगवान का रूप है तो आगे पीछे एक लॉजिक है एक वैज्ञानिकता है कि वजह से करी ऋषि बहुत आपने जगह ऋषि हा